सभी सरकारी व प्राइवेट चिकित्सक आईएमए हॉल में एकत्रित हुए। राजस्थान सरकार द्वारा पारित हेल्प बिल के विरोध में सभी चिकित्सकों ने एकजुटता दिखाई। पिछले 12 दिनों से अलवर जिले के सभी प्राइवेट अस्पताल बिल के विरोध में बंद पड़े हैं। उनके समर्थन में आज जिले के सभी सरकारी चिकित्सक भी सामूहिक अवकाश पर रहे। प्राथमिक सामुदायिक डिस्पेंसरी सैटेलाइट व जिला अस्पताल में पूरी तरह चिकित्सा व्यवस्था बनी रही थी, इधर से उधर इलाज के लिए भटकते रहे। सेवारत चिकित्सक संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाल यादव ने बताया कि यह चिकित्सकों पर कुठाराघात है। सरकार को यह बिल शीघ्र ही वापस लेना चाहिए, जिससे राज्य की जनता को राहत मिल सके। सरकार अपनी वोट लालसा की हठधर्मिता के कारण जनता को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। सेवारत चिकित्सक प्राइवेट चिकित्सकों के साथ हमेशा रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर कठोर निर्णय लिए जाएंगे। अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों ने अपने संबोधन में कहा कि चिकित्सकों ने अपने खर्चे से तमाम कई तरह के लाइसेंस लेकर प्राइवेट अस्पताल स्थापित किए हैं। सरकार आम जनता को चुनाव त्वरित उपचार देने में नाकाम रही है। चुनाव से ठीक पहले यह हेल्थ बिल पर अपना दायित्व प्राइवेट अस्पतालों पर थोपना चाहती है। एक तो चिकित्सा सुविधा देने में विफल रही है, ऊपर से बिल लाकर सस्ते में वोट भी बटोरना चाहती है। चिकित्सक समुदाय को बलि का बकरा बना रही है। आज ही के दिन 29 मार्च को एक वर्ष पूर्व दौसा के डॉक्टर अर्चना शर्मा को प्रसूता की मृत्यु हो जाने पर मृतका के परिजनों द्वारा आर्थिक व सामाजिक प्रताड़ना के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज शाम को सभी सरकारी व प्राइवेट चिकित्सकों का हेल्थ बिल के विरोध में शर्मा की याद में कैंडल मार्च सामान्य चिकित्सालय से शहीद स्मारक कंपनी बाग तक रखा गया। सभी प्राइवेट अस्पतालों के चिकित्सकों ने सरकारी योजनाओं चिरंजीवी में प्राइवेट हॉस्पिटल संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय पाल यादव को जमा करवाया।